उधर उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि इससे पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन बीते 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी की हुई है। और हालांकि IMD ने राज्य में आज फिर से बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर दिल्ली से लगे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। IMD दिल्ली से लगे यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। विभाग ने कई जगहों पर वज्रपात होने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारी बारिश हो सकती है, और ऐसे में अलर्ट एक तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो बरसात होने वाली है काफ़ी राहत गर्मी से लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें कि और लगातार तस्वीरों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बारिश कुछ दिनों पहले हुई थी, सड़कें लबालब हो गई हैं और तालाब में पूरी तरह से परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहगीरों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का उस समय सामना करना पड़ा था। तो मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि इस बार यूपी के कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। दिल्ली से सटे इलाकों की बात की जाए, गाजियाबाद, नोएडा, तो यहाँ पर भी बारिश का आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि बारिश में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कामकाज के लिए जो लोग सुबह से निकलते हैं, देरी से ऑफिस पहुंचते हैं, और आपको बता दें कि सड़कें जो हैं कहीं ना कहीं लबालब हो जाती है, तालाब में जो है वो तब्दील हो जाती है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहाँ कुछ दिनों पहले बरसात हुई और सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर गया, जिसके चलते वाहनों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है बड़े बड़े गड्ढों के चलते। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी जारी कर दी गई है बारिश को लेकर, कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जो है सुहावना रहेगा, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो बारिश की पूरी संभावना यहाँ पर जताई गई है। यूपी के कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है, कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो किसानों को मिल सकता है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, 42 के पार टेम्परेचर पहुंच गया था, लेकिन अब दूसरी तरफ IMD ने संभावना जताई है कि अब जो बारिश होगी उससे टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं मेरठ से, और मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़ गए। सबसे पहले धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारिश का अनुमान फिर से मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, क्या कुछ और जानकारी, कब तक बरसात हो सकती है? मेरठ में जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे पहले मौसम विभाग ने अल्टीमेट जारी कर दिया था कि अगले 24 से 36 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश होगी, तेज आंधियां चलेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरज के साथ जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश होने की जो संभावना वो लगातार बताई जा रही है जी। जिस प्रकार से 2 दिन पहले मौसम में ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन साफ तौर पर सबसे बड़ी बात है कि लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में इस टाइम बादल छाए हुए हैं और जो धुंध भरी जो हल्की हल्की हवा है वो धीरे धीरे अब चलनी स्टार्ट लगातार होती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अल्टीमेट मेरठ में दिया था कि अगले 24 से 36 घंटे में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, हालांकि बारिश अभी फिलहाल मेरठ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में मेरठ में बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मौसम उस लेवल का है जो टेम्परेचर है वो लगातार डाउन होता दिख रहा है दीपाली। और सबसे बड़ी बात है कि अल्टीमेट साफ तौर पर पहले ही कर दिया था कि मौसम विभाग ने कि सब अलर्ट रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अगर भारी बारिश होती है, अब की बार जो जिस प्रकार से मानसून है अब की बार समय से पहले आता दिख रहा है, और उससे सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो उसके कुछ दिन बाद ही जिस प्रकार से मानसून आया,
अगर मैं बात करूं पिछले एक सप्ताह की बात करूं या पिछले 15 दिन की बात करूं तो लगातार दो दिन छोड़कर लगातार बारिश मेरठ में देखने को मिली है, धूल भरी आंधी मेरठ में देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं आगे की तो मानसून लगातार मेरठ में पास आ गया है, वो थम सा भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वानुमान सबसे पहले जिस प्रकार से यहाँ पर बताया था मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था वो बिल्कुल सही साबित यहाँ पर होता दिख रहा है। और आने वाले कुछ घंटे में हो सकता है कि मेरठ में मूसलाधार बारिश पड़ सकती है जिस प्रकार से जो मौसम विभाग का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। दीपाली जी चलिए मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारूक, जैसे कि धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि इस समय मेरठ में मौसम कैसा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मथुरा में किस तरीके का मौसम जो है देखने को मिला है, क्या बादल छाए इस समय? जी दीपाली, मथुरा में सुबह 4 बजे से ही हल्की बूंदाबांदी हुई और रुक रुक के बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पर बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। जिस तरीके से कल गर्मी थी, 44 डिग्री मथुरा का टेम्परेचर हो गया था और बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, उसी तरीके से आज जो एकदम मौसम बदल गया, पलटा खा गया। अभी 3 दिन पहले मथुरा में बहुत तेज बारिश हुई थी और उस बारिश से जो है यहाँ की सड़कें भी पूरी लबालब हो गई थी, रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए थे, एक तरीके से 6 घंटे के लिए बिल्कुल रास्ते जो है ब्लॉक हो गए थे। इसी तरीके से रायसोस केंद्र ने यहाँ पर कल भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर जो है आज 4 जून से मतलब लेकर और अगले 2 दिन तक यहाँ पे बारिश होने की मथुरा में संभावना है। और मथुरा में जो है अभी भी यहाँ पर बहुत बादल जबरदस्त छाए हुए हैं। मैं यमुना जी किनारे पर खड़ा हुआ हूँ तो आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि मौसम किस तरीके का यहाँ पर हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन अब बूंदाबांदी यहाँ पर रुक गई है और लगातार सुबह 4 बजे से दीपाली यहाँ पर मौसम जो है एकदम बिगड़ा हुआ है। कभी काली घटा आ जाती है और कभी एकदम बारिश जो है यहाँ पर होने लगती है। अभी देखिए क्योंकि लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे कि किस तरीके से मौसम जो है इस समय खुशनुमा हुआ है और सुहावना मौसम इस समय देखने को मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में बरसात जो है हो सकती है, इसको लेकर भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की जा चुकी है। चलिए बढ़ते आगे आपको